हेलो दोस्तों, आज हम CBSE क्लास 9th नॉवेल थ्री मैन इन अ बोट के लेसन 13 की हिंदी में समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। जेरोम के विचार में मार्लो सलोना एक ऐसा नगर था जिसमें ऐतिहासिक महत्व के कई प्राचीन स्थल और सुंदर ग्रामीण क्षेत्र हैं। मार्लो पुल से आधा मील ऊपर नदी के दाएं तट पर विषम मठ है। एक समय यह क्लीव के एन का घर था और उसके बाद रानी एलिजाबेथ का। इसमें चित्रपत्र का शयन कक्ष और मोटी दीवारों में छुपा हुआ गुप्त कमरा है। कहा जाता है कि अब भी लेडी होली, जिसने पीट पीट कर अपने बेटे की जान ले ली थी, उसका भूत अपने हाथ धोने के लिए रात के समय वहां घूमता है। शैली भी मार्लो में रहा था और उसने ये अपनी प्रसिद्ध कविता रिवोल्ट ऑफ इस्लाम यहीं पर रची थी। मेडमेनम मठ या नर्क अग्नि क्लब एक ऐसा समुदाय था जिसका आदर्श था जो चाहो वो करो। ये निमंत्रण मठ के खंडर द्वार पर अब भी मौजूद है। इस मठ के स्थापित होने से बहुत वर्ष पूर्व इसी स्थान पर एक भिन्न प्रकार का मठ था। उसके भिक्षु उन लोगों की तरह मौज मस्ती करने वाले नहीं थे जो कि 500 वर्षों पश्चात उनके स्थान पर आए थे। सिस्टर्सन भिक्षु, जिनका मठ वहां पर 13वीं शताब्दी में था, वे कपड़े नहीं पहनते थे। वे मोटा कुर्ता और टोपी पहनते थे तथा मांस मछली अंडे नहीं खाते थे। वे घास फूस पर सोते थे और अपना दिन परिश्रम पूजा पाठ में व्यतीत करते थे। वे मौन रहकर ईश्वर की आवाज़ सुनने की प्रतीक्षा करते थे। जेरोम के विचार में फॉक्सटेरियर अन्य कुत्तों की अपेक्षा अन्य दुष्ट कुत्ते होते हैं। एक बार वह घास मंडी की दुकानों की लॉबी में था। वहां बहुत से कुत्ते शांतिपूर्वक अपने स्वामी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो अंदर खरीदारी करने के लिए गए हुए थे। वहाँ कई नस्लों के कुत्ते थे। वहाँ पर एक लेडी आती है और उसने अपने फॉक्सटेरियर को बुलडॉग और पूडल के बीच बांध देती है। कुछ समय पश्चात फॉक्सटेरियर ने बिना किसी के द्वारा उकसाए पूडल की टांग को काट लेता है और उसने एक कोली पर धावा बोल देता है। कुत्ते भयंकर रूप से भौंकने लगते हैं और फॉक्सटेरियर अपने स्थान पर लौट आया, बुलडॉग के कान पर काट लिया। बुलडॉग ने अंधाधुंध काटना आरंभ कर दिया, जबकि फॉक्सटेरियर एक यॉर्क टाइक से लड़ने लगा। अब तक सभी कुत्ते लड़ने और काटने लग रहे थे। इस शोर को सुनकर लोगों की भीड़ आ गई और उनको छुड़ाने का प्रयास करने लगी। इस बीच युवती लौट आई। उसने अपने कुत्ते को झपट कर खींचा और उसे गोद में कसकर उठा लिया। वह बोली कि इन दुकानदारों को शरीफ लोगों के कुत्तों के बीच भयंकर कुत्तों को रखने का कोई हक नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। जेरोम को बिल्लियों से बहुत प्यार होता है, परंतु मोंट मरंसी को उनसे बहुत घृणा थी। जेरोम इसके लिए उसे दोष नहीं देता क्योंकि वह फॉक्सटेरियर था और यह उसका नेचर था। उस दिन जब वे हाई स्ट्रीट में से जा रहे थे तो एक बड़ा काला बिल्ला किसी घर से तेजी से आया, टॉम कैट जिसे कहते हैं, और सड़क के पार जाने लगा। मोंटमोरेंसी अपने दुश्मन को देखकर खुशी से भौंका और तेजी से उसकी ओर भागा, लेकिन उस टॉम कैट ने कोई जल्दबाजी नहीं की। जब कुत्ता उससे गज भर की दूरी पर था तो वह पलटा और सड़क के बीच बैठकर मोंटमोरेंसी को चुपचाप निहारने लगा। मोंटमोरेंसी भी एकदम रुक गया और बिल्ले को देखने लगा। वे कुछ दूर एक दूसरे को देखते रहे, फिर मोंटमोरेंसी दुम दबाकर लौट आया और बिल्ला सड़क के बीच धीरे धीरे चलता चला गया। जॉर्ज ने कुछ सजेशन दिया कि उनको सब्जियां खरीदनी चाहिए क्योंकि सब्जी नहीं खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने आलू मटर कुछ बंद गोभी खरीदी। उन्होंने गाय के मांस की पाई, आंवले का केक, भेड़ का मीट, फल, केक, ब्रेड, मक्खन आदि भी खरीदा। फिर दुकान के नौकर ने सारा सामान बांधकर नाव पर पहुंचा दिया। जब वे सड़क से नदी की ओर जा रहे थे तो वे एक जुलूस की भांति प्रतीत हो रहा था। उस दिन तीनों लोग
स्टीम से चलने वाली नाव से बहुत परेशान हुए। वे वहाँ बड़ी संख्या में थीं, उन्हें उनसे बड़ी घृणा थी और उनका मन करता था कि वे उन्हें नष्ट कर दें। उन्हें उस व्यक्ति से घृणा थी जो नाव के पिछले भाग पर खड़ा होकर सिगार पी रहा था। स्टीम वाली नाव की सीटी उनको रास्ते से हटने का संकेत देती थी। उस दिन उनकी नाव अन्य सभी पानी में चलने वाली जो स्टीम नाव के लिए अधिक परेशानी और देर का कारण बनी। जेरोम 3 महिलाओं के बारे में बताता है जिनके साथ वह नाव में जा रहा था। जब कभी कोई स्टीम वाली नाव दिखाई पड़ती थी तो वो घबरा जाती थी। वह नाव से उतरने का आग्रह करती थी और किनारे पर तब तक प्रतीक्षा करती थी कि जब तक कोई नाव दिखाई देना बंद नहीं हो जाती थी। उनके पास हैम्बल्डन में पानी समाप्त हो जाता है। वे बांध के चौकीदार के पास जाती हैं और उनसे थोड़ा पानी मांगते हैं। वह बोला कि जितना पानी चाहिए वो ले सकते हैं, नदी में बहुत पानी है। वे बोले कि नदी में पानी नहीं पी सकते वो। उस आदमी ने उत्तर दिया कि मैं पिछले 15 वर्ष से यही पानी पी रहा हूँ, और दूसरी कुटिया में गए थोड़ा पानी ले आए। लेकिन जेरोम के विचार था कि ये भी नदी का जल था, परंतु उन्हें ये मालूम नहीं था कि उसने विचार प्रकट किया था कि जो आँख नहीं देखती उससे पेट खराब नहीं होता, आँखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती। एक बार वो नदी के बहाव के साथ चले जा रहे थे और उनका घड़ा खाली हो गया। वे चाय पीना चाहते थे। हैरिस बोला कि पानी उबालने से कीटाणु मर जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी केतली नदी के ऊपर नदी के पानी से भर ली और चाय बनाई। जॉर्ज और हैरिस अभी चाय पीने ही वाले थे कि उन्हें एक मरा हुआ कुत्ता पानी में बहता हुआ दिखाई पड़ा। जॉर्ज और हैरिस ने चाय नहीं पी। जेरोम ने आधी चाय पी ली थी, परंतु बस सोचने लगे कि उसे पानी नहीं पीना चाहिए था। वे खाना खाने के लिए एक जगह रुके। वे घास के मैदान में बैठे हुए थे। हैरिस ने एक बीफस्टिक पाई अपने घुटनों के बीच पकड़ रखी थी और उसे काट रहा था। उसे एक चम्मच की आवश्यकता पड़ी। जॉर्ज और जेरोम ने चम्मच लेने के लिए पीछे देखा, परंतु जब उन्होंने मुड़कर फिर से देखा तो हैरिस और पाई गायब हो चुके थे। उन्हें बड़ा शौक लगा और वो उलझन में पड़ गए। उनकी समझ में नहीं आया कि वो 5 सेकंड में कहाँ चला गया। उन्होंने हैरिस का सिर लंबी घास से बाहर निकला हुआ देखा। हैरिस एक छोटी सी खाई के किनारे पर बैठा हुआ था जो घास में छुपी थी। थोड़ा पीछे झुकने पर उसमें गिर गया। वह उसमें से कीचड़ से सना हुआ बाहर आया। उसे डाउट था कि जॉर्ज और जेरोम को ये पहले से पता था। शायद उन लोगों ने कोई उसके खिलाफ प्लान बना रखा था। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ लेसन 13। आई होप यू विल लाइक इट और कमेंट इट। थैंक यू।